हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत क्रॉजिया आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी पढ़ाई पर। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारी मेहनत का जो फल है वो वही है कि आप कितने सब्सक्राइब करते हैं, कितने लाइक करते हैं और कितने यूजफुल कमेंट्स करते हैं। यही सब हमारा ये हार्ड वर्क करने का, इतनी ह्यूमिडिटी में हार्ड वर्क करने का फल है कि हम लोग आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि रोकने की कोशिश तो बहुत की जाती है और हर लेवल पर की जा रही है कि हम लोग रुकें, लेकिन नहीं, हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकेगी। अब जो निकम्मे होते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी दूसरों की कमियां निकालने में ही निकल जाती है और बाकी अच्छे लोग अपना वर्क करते रहते हैं। हो सकता है कि मुझ में भी कमियां हो, ये नहीं कि मैं ही दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर हूँ और मैं अपने आप को ऐसा बोलता भी हूँ, बट मैं अपनी आसान भाषा में हमेशा आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और जो चीज़ होनी है वो तो होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है और मैं आज आपको प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और आपकी एक्सरसाइज है 5A और 5A का फर्स्ट क्वेश्चन रिटन है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बाकी की बातें मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगा और उसमें ज़रूर बताऊँगा कि लोग कैसे आपको रोकने की कोशिश करते हैं। खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं बट अगर दूसरा कर रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम है और दूसरों की बुराइयां करने में सारा टाइम लग जाता है, तो ऐसे लोगों से बच के रहें। ठीक है, और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। आप हमेशा ऐसा वर्क करें जो दूसरों के लिए क्या हेल्पफुल हो, जो दूसरों कभी भी प्रॉब्लम में ना डाले, आपकी वजह से कोई ऐसा काम ना हो कि दूसरे प्रॉब्लम में आए। ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है, द यूनिट डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3। लिखा है कि आपका कोई टू डिजिट नंबर है, आपने सपोज किया क्या ए बी, लिखा है यूनिट डिजिट क्या है 3 है। आगे क्या बोल रहा है, एंड 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। आपको यहां पर ए गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, ए लेट कर लेंगे क्या x, लेट द टेंथ डिजिट इज x। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वन टाइम रीड करने में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जब तक आप इसको अगेन एंड अगेन रीड नहीं करेंगे। क्या हो गया, टेंथ डिजिट इज एक्स, क्या बोला है कि जो नंबर है उसके डिजिट का सम, डिजिट का सम क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 का 7 टाइम, का 7 टाइम, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 7 टाइम होगा, इक्वल है किसके, उस नंबर के, तो नंबर यहां पर क्या हो जाएगा 10x, नंबर क्या होगा 10x प्लस बी, और बी कितना है 3। ये इक्वेशन समझ में आई है, क्या बोला गया कि नंबर्स का सम का 7 टाइम्स, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 7 टाइम होगा, और सम कब होगा जब आप नंबर डिजिट का क्या कर देंगे सम, आपने 10 डिजिट क्या सपोज की थी एस सॉरी एक्स, तो एक्स प्लस 3 क्या हो जाएगा इंटू 7, वो इक्वल होगा उस नंबर के, यही बोला गया था। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 7x प्लस 7 3 का 21 इक्वल टू 10x प्लस 3। आप वेरिएबल्स वन साइड ले आइए और कांस्टेंट वैल्यू जो आपके डिजिट्स हैं उनको वन साइड, तो क्या होगा 7x माइनस 10x इक्वल क्या होगा 3 माइनस 21। 7x सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x से तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x इक्वल टू माइनस 18, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, x इक्वल टू क्या होगा 18 अपॉन 3, 3 6 18, x इक्वल टू क्या हो गया 6,
एक्स इक्वल टू सिक्स, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, ए की जगह आप क्या पुट करेंगे, सिक्स, एक्स सी तो ना हो, और बी की जगह क्या था, थ्री, मीन्स आपका नंबर क्या हो गया, 63। करके देख लेते हैं कि नंबर को ऐड करने पर कितना होगा, 9, और उसका मल्टीप्लाई कितने टाइम हो, 7 टाइम, तो वो खुद नंबर हो जाता है 9 7 63। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इन टू डिजिट नंबर, फिर से आपको टू डिजिट नंबर गिवन है। द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट इन द टेंस प्लेस। लिखा कि आपने सपोज किया कि 10 की प्लेस पर x है, तो b क्या हो जाएगा, 2x, डबल है। आगे द नंबर एक्सीड द सम ऑफ इट्स डिजिट बाय 18, फाइंड द नंबर। देखिए क्या बोला गया कि द नंबर एक्सीड्स द सम, लिखा है कि नंबर जो है वो एक्सीड करता है उन नंबर्स के, जो नंबर्स के डिजिट है उनके सम के, ठीक है, और कितना एक्सीड करता है, 18, कितना गिवन किया गया है, 18, कि आपका जो नंबर है, आपका नंबर यहां पर क्या जाएगा, सपोज किया आपका नंबर क्या है, ए बी, अब लिखा है कि नंबर में जो डिजिट है उनके सम ए बी से जो नंबर है वो क्या है, 18 ज्यादा है, कितना, 18, तो आपकी यहां पर इक्वेशन क्या होनी चाहिए, क्या इक्वेशन होगी कि 10x प्लस 2x, x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 2x इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 2x। अच्छा अब देखो यहां पर आपका ये साइन किसका, इक्वल का, ठीक, तो दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बोथ साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, 10x प्लस 2x, ये आपका क्या हो गया सम, किस, ये आपका क्या हो गया नंबर, नंबर आपको अगर x और 2x गिवन है तो नंबर आपका x और 2x थोड़ी ना हो जाएगा, उसको प्रॉपर वे में आपको लिखना भी तो पड़ेगा कि आपके 10 के प्लेस पर जो नंबर होगा उसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आप यूनिट प्लेस को क्या कर देंगे, ऐड, जो आपकी यूनिट डिजिट होगी उसको ऐड कर देंगे, तभी तो आपका नंबर फाइंड आउट होगा। अच्छा अब मैं आपको सेकेंड जो आपका आरएचएस है ये कैसे है, देखो नंबर का सम क्या होगा, नंबर का सम तो आप डायरेक्ट करते हैं, जैसे आपका नंबर 24 है तो आप क्या करते हैं, 2 प्लस 4, वही तो डिजिट का सम होगा, तो डिजिट यहां पर आपकी क्या थी, ए क्या थी, एक्स प्लस 2x। अब क्या कह रहा है कि 18 ज्यादा है, कौन, LHS, नंबर ही तो ज्यादा था डिजिट के सम से, इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18 या तो आप सब्ट्रैक्ट कर दें, जितना ज्यादा था उतना सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर जितना ज्यादा है उसको इधर एड कर दें, इतनी बात क्लियर। अब क्या करना है, 10x प्लस 2x कितना हो गया, 12x इक्वल टू 3x प्लस 18, आगे इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 12x माइनस 3x इक्वल टू 18, 9x इक्वल टू क्या होगा, 18, और x इक्वल टू 18 अपॉन 9 कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 2। अब क्या करना है, x इक्वल टू आपको वैल्यू पुट करनी है कितनी, 2, तो आपको 10 की प्लेस तो यहां पर फाइंड आउट होगी क्या, 2, अच्छा सेकंड प्लेस क्या होगी, 2 इंटू 2, x की वैल्यू पुट करेंगे कितना जाएगा, 4, आपका नंबर क्या हो गया, 24। आप देख सकते हैं क्वेश्चन की, देखो आप क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका आंसर क्या कर रहा हो, मैच कर रहा हो 1-1 लाइन को। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखी थी कि जो आपका 10 का प्लेस था उससे आपका यूनिट प्लेस क्या था, डबल, 2 का डबल कितना होगा, 4, ये लाइन आपकी वेरीफाई करता है नंबर। सेकंड क्या था कि आप अगर नंबर का सम करते हैं 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, और ये कितने कितना ज्यादा है नंबर आपका, 18, आप 16 में 6 में 18 ऐड कर दीजिए, 8 और 6 14 4 कैरी 1 2 24 हो गया, तो 18 ही तो ज्यादा है, 18 ही तो एक्सीड कर रहा है, तो ये आपका क्या है सॉल्यूशन किसका, सेकंड क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को जब तक केयरफुली रीड नहीं करेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है टू डिजिट नंबर इज 3 मोर, अब लिखा फिर से टू डिजिट नंबर, सपोज किया क्या, ए बी नंबर इज, और टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। लिखा है कि कोई नंबर क्या है आपका, आपने सपोज किया नंबर क्या है, ए बी, और लिखा है कि इस नंबर का जो सम है, डिजिट का जो सम है उसका 4 टाइम, सपोज किया आपका नंबर क्या है, ए बी, तो 10 है प्लस बी
ठीक है, वो क्या लिखा है, इक्वल होगा किसके, थ्री मोर देन फोर टाइम्स द सम, तो ए प्लस बी टू फोर और प्लस थ्री। ठीक है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट्स आर रिवर्स फाइंड द नंबर। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, 10 ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ए प्लस 4 बी प्लस 3। 10 ए से 4 ए सब्ट्रैक्ट होगा 6 ए माइनस 3 बी इक्वल टू 3। 2 ए माइनस बी, यहां से हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसल, बचेगा क्या, 2 ए माइनस बी इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया आपकी, लिखा है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट्स आर रिवर्स फाइंड द नंबर। लिखा है कि आप क्या करते हैं, 18 ऐड करते हैं नंबर्स को रिवर्स करके। एक आपने सपोज किया आपका नंबर क्या था, 10 ए प्लस बी, आप रिवर्स कर देंगे नंबर तो क्या होगा, 10 बी प्लस ए। लिखा है कि 18 इज एडेड टू द नंबर, आप नंबर में ऐड करते हैं 18, ठीक, तो नंबर क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो लिखा है फाइंड द नंबर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 18 इक्वल टू क्या होगा, 10 ए इस तरफ ले जाइए और बी भी, तो माइनस का 9 ए, माइनस की वैल्यू हो जाएगी 10 ए और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहां पर क्या होगा, प्लस 9 बी, यहां से 9 कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यहां से यहां पर देखो क्या था, 18 मैंने एलएचएस को आरएचएस और आरएचएस को एलएचएस लिख दिया, यहां पर क्या सब कॉमन होगा, 9, 9 से 18 कैंसिल, तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। निवाद किया। अब क्या करना है आपको, यहां पर दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, आप दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो b से b क्या होगा, कैंसल, पॉजिटिव और निगेटिव, ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, और ये भी ऐड हो जाएगा, क्या आ गया, 3। a कितना हो गया, 3, आप a की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, 1 में या फिर 2 में, तो सपोज कि हमने 1 में वैल्यू पुट की तो क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 माइनस b इक्वल टू 1, तो 3 टू जस्ट 6 माइनस बी इक्वल टू 1, माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 6 माइनस बी इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, बी इक्वल टू 5। ठीक है, यहां पर जब आप इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे, a इक्वल टू 3, तो a कितना, 3 प्लस बी इक्वल टू 2, बी इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, इक्वल टू यहाँ भी 5 और यहाँ भी, तो आपको ए की वैल्यू पता चल गई कितनी, 3, बी कितना है, 5, आपका नंबर क्या हो गया, 30। आप नंबर को चेंज कर सकते हैं, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप उसको जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, ताकि हम उसके सॉल्यूशन आपको टाइम से प्रोवाइड कर सकें और आप घर पर सेफ एंड हेल्दी रहिए, साथ में बने रहिए मेरी पढ़ाई चैनल पर। आपको इसमें जितने भी डाउट्स होंगे आपको क्लियर किए जाएंगे, बस आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है और आसानी से मिली हुई चीज़ ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मत सोचिएगा कि बिना मेहनत के आपको कुछ मिलने वाला है, ये दुनिया लेती है सिर्फ, देती नहीं है बिना मेहनत के, ठीक है, हर कोई लेना चाहता है, जब मैं लेते लेते आराम से कि हर चीज मिलती रहे, बट हार्ड वर्क कोई नहीं करता, तो दूसरों की बातों का ध्यान ना दें, अपना खुद का माइंड यूज करें और अपनी स्टडी पॉलिसी में रखें और साथ में अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी और कंट्री का भी ध्यान रखें।